नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आ चुका है HDFC बैंक की तरफ से मिलेनिया कंपनी का क्रेडिट कार्ड। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी किट की अनबॉक्सिंग करूंगा। ये किट आई है मेरे पास दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। साथ ही दोस्तों, इस किट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है ये बताऊँगा। प्लस दोस्तों, ये कार्ड मुझे कैसे मिला, क्या मैंने अप्लाई किया या मेरे पास खुद ये कार्ड अपने आप आया, और कैसे आप इसे अपने लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है तो। और दोस्तों, साथ ही इसी कार्ड के आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चार्जेस होते हैं ये भी आपको बताऊंगा। प्लस दोस्तों, ये कार्ड आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री कैसे मिलेगा ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे दोस्तों, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो HDFC बैंक का, तो आपको अच्छे समझ में आ सके कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और प्लस दोस्तों आपको कितने चार्जेस देने होते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नॉलेज आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास वो किट जो मेरे पास HDFC बैंक की तरफ से आई है। तो दोस्तों देखिए, ये पूरी किट है, काफ़ी मोटी है ये, जिसमें पीछे दोस्तों टेप लगा हुआ है, पैक है। तो दोस्तों टेप काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये, तो मैंने इसको ऊपर से ही ओपन कर दिया है। ओपन दोस्तों इसलिए किया, मुझे चेक करना था इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो मैंने सेम वैसा के वैसा ही इसमें फिर से सामान रख दिया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको उसको ओपन करके इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अभी अब कुछ नहीं है, सारा सब कुछ मैंने निकाल लिया है। तो मैं आपको सारे एक करके दिखाने वाला हूँ। देखिए जी दोस्तों, हमें काफ़ी बड़ी एक बुक मिलती है। अब दोस्तों, आप अगर ऐसे रीड करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको रीड कर सको। देखिए काफ़ी बड़ी है, बट इसमें काफ़ी सारी नॉलेज दी गई है इस कार्ड के बारे में कि आपको कितना परसेंट, कितना कहाँ पर चार्ज देना है, कितना कहाँ पर देना है, तो आप इसे रीड कर सकते हो अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो, और इसकी जानकारी दे सकते हो। तो वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। दूसरी दिखाता हूँ मैं आपको, तो इसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये कुछ जानकारी दी गई है क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी सारे हमें पेपर मिलते हैं, जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मंगाते हो बैंक की तरफ से, किसी बैंक का हो, तो आपको काफ़ी सारे स्टेप मिलते हैं। ये देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि आपको कैसे अपने इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, ये सारे इसमें आपको दिए गए हैं दोस्तों। बट मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, सब इसमें बताया गया है, जो कि दोस्तों ज़्यादा लोगों को पता ही होता है। ये भी एक और बुक दी गई है दोस्तों, इसमें बुक काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। देखिए बुक इसमें ज़्यादा हैं। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे आप दोस्तों इसमें फोर पिन, जो चार पिन का डिजिट होता है, कैसे आप उसे जनरेट कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। कई सारे स्टेप इसमें बताए गए, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, ATM के थ्रू कर सकते हो। तो उसमें तीन चार स्टेप दिए गए हैं, जिनमें आप जो आसानी आपको लगे वो कर सकते हो। तो मैं तो आपको करके बताऊँगा दोस्तों, अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बताऊँगा कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे मैंने अप्लाई किया, मुझे ये कार्ड कैसे मिला, एक्टिवेट कैसे करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो दोस्तों कई पार्ट में कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊँगा तो उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ जानकारी मिलती है, और जी है दोस्तों हमारा क्रेडिट कार्ड, ये देखिए इसमें पीछे लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें वही सब कुछ बताया गया है, कैसे आप उसे जनरेट कर सकते हो पिन वगैरह को। दोस्तों देखिए, जी है मेरा क्रेडिट कार्ड, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों मेरे पास डेबिट कार्ड मिलेनिया का ही है, मिलेनिया कंपनी का। इसमें दोस्तों यहाँ पर लिक्विड लगा होता है, चिपका होता है, ये देखिए छोटा, इसमें आगे दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये कुछ पेपर इस पे लगा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिलेनिया कंपनी का, जैसे मेरा नाम लगा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है दोस्तों वही नाम यहाँ पे लगा हुआ है, राजेश राठौर। और पीछे से दोस्तों देखिए, जो मैंने ऐड किया हुआ है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे मेरे कार्ड नंबर वगैरह दिए गए हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है।
तो कुछ इस तरह का कार्ड मिलता है दोस्तों आपको प्लास्टिक का, सेम इसी कंपनी का मेरे पास HDFC बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड है, सेम यही है। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, उस पर लगा हुआ है डेबिट, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ वीजा कंपनी का सेम यही डिजाइन है, यही सब कुछ है उसमें। तो दोस्तों इस तरह का कार्ड आपको मिलता है और इस तरह के काफ़ी सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं जो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी कार्ड ज़्यादा यूज नहीं कर, कोई भी इसमें से पेपर ज़्यादा रीड नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो आपके काम आ सकें। आपको वैसे नॉर्मल लोगों को काफ़ी ज़्यादा पहले से पता होता है क्या क्या यूज़ होते हैं कार्ड के। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कार्ड है इसमें दोस्तों आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और मुझे कैसे मिला। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा मुझे कैसे मिला। दोस्तों मेरा अकाउंट HDFC बैंक में है दो समथिंग 3-4 साल से, और दोस्तों मैं अपने अकाउंट से EMI पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लेता रहता हूँ HDFC बैंक के ऊपर। जैसे दोस्तों मेरे पास डेबिट कार्ड है तो उस पर कई सारे ऑफर आते हैं EMI पर, ऐसे फ्लिपकार्ट वगैरह पर, तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है उससे। दोस्तों बैंक ने मेरा रिकॉर्ड देख के मुझे इस कार्ड को खुद ऑफ़र किया है, मैंने कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं थी। फिर भी दोस्तों मेरा रिकॉर्ड देख के, बैंक का रिकॉर्ड देख के कि मेरी जो EMI होती हैं टाइम टू टाइम भरती रहती हैं, तो बैंक ने खुद मुझे ऑफ़र किया तो जो मुझे कार्ड मिला है। और इसके दोस्तों आपको चार्जेस बताऊं तो 500 रुपये दोस्तों आपको चार्जेस लगते हैं जब आप खुद अप्लाई करते हो तो कार्ड लेने पर। और प्लस दोस्तों जो इसकी ईयरली फीस होती है कार्ड की वो 500 रुपये, यानी समथिंग दोस्तों आपको स्टार्टिंग में 1000 रुपये देने पड़ते हैं, तो जो कुछ आपको इसमें फीस लगती है। बट दोस्तों मुझे मिला है एकदम फ्री, बट मुझे दोस्तों जो 500 रुपये ईयरली चार्ज होते हैं वो देने पड़ेंगे अगर मैं इसका यूज उस तरीके से नहीं करता हूँ जो तरीका दोस्तों मुझे बैंक ने बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये देखिए इसके ऑफ़र की, हमें इसमें क्या क्या ऑफ़र मिलते हैं। तो ये देखिए अगर आप इस कार्ड से फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी भी इन साइट पर यहाँ पर दी गई हैं इन पर शॉपिंग करते हो तो दोस्तों आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है, और 1% का कैशबैक दोस्तों आपको मिलेगा किसी भी अदर ब्रांड पर। यहाँ दोस्तों आपको देख सकते हो 1% का दोस्तों आपको फ्यूल चार्ज सर्वर वेवर जो होता है जब आप पेट्रोल भरवाते हो अपनी गाड़ी में तो उसमें 1% का आपको कैशबैक देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 8 कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट जो लॉन्ग एक्सचेंज होती है ना दोस्तों वो आपको मिलने वाली है 1 साल के अंदर 8। तो दोस्तों ये कुछ इसमें आपको ऑफर मिलते हैं। और प्लस दोस्तों जब आप इस कार्ड को एक्टिवेट करोगे तो आपको इसमें 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है जो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको शॉपिंग करने में। तो ये कुछ दोस्तों आपको इसमें ऑफ़र मिलते हैं। बट दोस्तों इस कार्ड का एक सबसे अच्छा तरीका, मुझे सबसे अच्छा ऑफ़र यही लगा कि इस क्रेडिट कार्ड से आप चाहे तो फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करो या अमेजन पर किसी पे भी करो या मंत्रा पर, आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। नहीं दोस्तों नॉर्मली जो कार्ड होते हैं जो एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक, उसमें क्या होता है कि एक्सिस बैंक दोस्तों आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ऑफ़र देती है और जो ICICI का कार्ड होता है दोस्तों आपको देता है अमेजन के ऊपर। बट दोस्तों इस कार्ड में आपको दोनों के ऊपर ही 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा, और नॉर्मल दोस्तों ज़्यादातर लोग इन्हीं दोनों साइट के ऊपर शॉपिंग करते हैं। तो जो कुछ इसके फ़ायदे हैं, अब दोस्तों इसमें मुझे लिमिट कितनी मिली है, तो दोस्तों इसमें मुझे लिमिट मिली है 1,00,000 रुपये की, और जिसको मैं अपने हिसाब से अपने मोबाइल ऐप में जाके सेट कर सकता हूँ, जो कि दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब इस कार्ड को मैं एक्टिवेट करूंगा अपने मोबाइल बैंकिंग से, तब मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि मुझे इसमें लिमिट कितनी है और कैसे मैं अपनी लिमिट को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि ये कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सिंपल तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो अभी दोस्तों काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो आप अपने बैंक में अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपने एक बैंक में आकर ट्राई कर सकते हो, HDFC बैंक दोस्तों एक प्राइवेट बैंक है तो आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप एलिजिबल हो तो। नहीं तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँगा कि आपको अपने डेबिट कार्ड से ही अच्छी शॉपिंग करनी है, अच्छी EMI पे करनी है दोस्तों, EMI कुछ सामान ले गए तो उससे क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड बैंक में अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपको ऊपर खुद ऑफर मिलेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। इसमें दोस्तों आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी और ना ही दोस्तों कोई ईयरली फीस देनी है। अब दोस्तों इसको फ्री कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर आप इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री चाहते हो, यानी दोस्तों आपको कोई भी फीस ना देनी पड़े कभी, तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के जब आप दोस्तों इस कार्ड को लोगे
जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको अपने कार्ड से 90 दिनों के अंदर कम से कम 50,000 रुपये की शॉपिंग करनी है। यानी दोस्तों चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको इससे 50,000 रुपये खर्च करने हैं इस कार्ड से 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो कम से कम दोस्तों आप 50,000 रुपये इससे स्पेंड कर देते हो 3 महीने के अंदर, तो दोस्तों आपको उसके बाद कभी भी लाइफ में कोई भी चार्ज नहीं देना इस कार्ड का। ऐसा कंपनी दोस्तों एक क्लेम करती है कि अगर आप स्टार्टिंग के 3 महीने में 50,000 रुपये से यूज कर लेते हो स्टार्टिंग में, चाहे दोस्तों आप कैसे भी करो, चाहे आप अपना बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो या कोई आप EMI भरो, कुछ भी करो, आपको इससे 50,000 रुपये पे करने हैं 3 महीने के अंदर, तो दोस्तों आपका ये कार्ड जो है लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। आपको उसके बाद कभी भी दोस्तों किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी इस कार्ड को लेके। तो ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा है बैंक की तरफ से, तो आप 3 महीने में इतना तो कर ही सकते हो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो। दोस्तों जब आप इसे अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के दोस्तों 3 से 4 दिन बाद ही आपको ये कार्ड मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब मैंने आप इसे अप्लाई किया तो आप दोस्तों साइड में मैसेज देख सकते हो, देखिए मैंने दोस्तों इस तारीख को अप्लाई किया था और इसके इतने दिन बाद दोस्तों मुझे लगातार मैसेज मिलते रहे कि अब मेरा कार्ड दोस्तों अप्रूवल हो चुका है, अब ये डिस्पैच होने वाला है और इतनी डेट को मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहती है बैंक की तरफ से, और 3 से 4 दिन के अंदर दोस्तों जो आपको कार्ड मिल जाएगा अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो। और अगर आप दोस्तों किसी विलेज या गाँव में रहते हो तब दोस्तों आपको 7 से 8 दिन का टाइम लग सकता है, नहीं तो दोस्तों आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।